गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में हमने अब तक जो है स्थलमंडल का अध्ययन कर लिया। स्थलमंडल में हमने सारी चीज़ें भूआकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया कि भूआकृतिक प्रक्रियाएं कैसे क्या हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था वायुमंडल का। वायुमंडल में हमने जो मुख्य चीज़ें अध्ययन किया उसमें किस तरीके से कि वाष्पीकरण कैसे होता है, संघनन कैसे होता है, फिर बादल का निर्माण, वर्षण, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। अब हमारा शुरू होता है आज से इकाई 5, इसमें हम लोग जलमंडल का अध्ययन करेंगे। यानी 3 मुख्य मंडल है हमारी पृथ्वी पर, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो आज हम लोग इस आखिरी मंडल जलमंडल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद इन तीनों मंडल के बनने से एक जैवमंडल बनता है, वो लास्ट में रह जाएगा। तो जलमंडल में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, अपना 12वां अध्याय है महासागरीय जल। महासागरीय जल सबसे अधिक जल जो है महासागरों में ही है ना, तो इसलिए महासागरीय, जिस तरीके से हम स्थलमंडल का अध्ययन करते हैं उससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है जलमंडल का भी अध्ययन करना। और जलमंडल में महासागर का बहुत महत्वपूर्ण जो है एक टॉपिक है, इसको अध्ययन करना। अब देखिए जल क्या है, जल का फार्मूला पता है, H2O साइंस अभी हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। तो जल का फार्मूला है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलकर के जल का निर्माण होता है। और जल, जहाँ तक इसके महत्व की अगर बात करें, तो जल ऑक्सीजन के बाद, वायु के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है पृथ्वी पर। अगर ऑक्सीजन हमको, वायु हमको जो है 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए ना मिले तो शायद जीवन खत्म हो सकता है। इसी प्रकार से जल भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है। एक बार आप भोजन के बगैर कुछ समय तक जीवित रह सकते हो, लेकिन बिना जल के आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हो, लंबे क्या कुछ दिन तक नहीं रह सकते हो। तो पृथ्वी पर दूसरा महत्वपूर्ण घटक क्या है, जल है। और इसीलिए इसको कहा जाता है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। अब जल ही जीवन है, क्यों जीवन है, क्योंकि जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जीवों का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से है। अब जीव जंतु में मनुष्य भी आता है, मनुष्य भी एक जो है एनिमल है, सोशल एनिमल कहा जाता है, सामाजिक प्राणी कहा जाता है। तो जीवों के लिए जल एक आवश्यक घटक है। और हमारा पृथ्वी ही एक ऐसा एकमात्र विचित्र ग्रह है जिस पर जल पाया जाता है। बाकी अभी तक किसी भी ग्रह पर जल की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि हमारे वैज्ञानिक खोज करने के लिए लगे हैं, बहुत सारे जो है सैटेलाइट इमेजनरी भेजी जा रही, सैटेलाइट्स के माध्यम से पता लगाया जा रहा है, और जो है यान भेजे जा रहे हैं मंगल जैसे ग्रहों पर, जो है भारत ने भी मंगलयान भेजा था। तो इस तरीके से, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि और ग्रह पर जल है। कभी रहा होगा किसी और ग्रह पर, मंगल पर जल कभी रहा होगा, लेकिन आज के वर्तमान समय में जल नहीं है। अगर जल होता तो वहाँ भी जीवन होता, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है। अब इसीलिए जल ज़्यादा है पृथ्वी पर, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। और जब आकाश से हम देखते हैं तो जल चूँकि अधिक है पृथ्वी पर महासागरों के रूप में, कितना परसेंट है, लगभग पूरे पृथ्वी पर स्थलमंडल को मतलब और जलमंडल से मिला करके 71% के आसपास जल है, ठीक है। तो जल की अधिकता के कारण ये नीला दिखाई देता है हमारा ग्रह। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये तो हो गई जल की जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में। अब हम बात करेंगे जलीय चक्र, वाटर साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे। जल एक ऐसा रिन्यूएबल संसाधन है, रिन्यूएबल मतलब जिसका पुनः चक्रण हो सकता है जल का। तो रिन्यूएबल ये रिसोर्स है, इसका चक्रण होता है। अब ये कैसे होता है, किस रूप में, हमने बताया था जल तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे वायुमंडल में है, सब जगह वो जल तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से फॉर्म, गैस, तरल और ठोस, तीनों फॉर्म में जल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर चक्र के रूप में हम समझ सकते हैं। जल के चक्र की अगर परिभाषा की बात करें तो जल का संचलन जल चक्र कहलाता है। यहाँ पे आप भूल जाओ हर चीज़, लेकिन आप एक लाइन में आप लिख सकते हो जल चक्र लिखने के लिए आए 2 नंबर का प्रश्न, तो जल का संचलन ही जल चक्र कहलाता है। संचलन में अब कैसे होगा, पृथ्वी के ऊपर संचलन हो, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी पर ऊपर वायुमंडल में, पृथ्वी के ऊपर मतलब सतह पर, पृथ्वी के ऊपर सतह पर और पृथ्वी के नीचे जो हमने पढ़ा था 3 मंडल है ना पृथ्वी के गहराई में, तो उसमें जो लिथोस्फीयर वाला है उसकी मोटाई लगभग 200 किलोमीटर तक होती है, तो वहाँ तक जो है, और इसके अलावा वायुमंडल में
जो हमारा वायुमंडल है, जो हमने पढ़ा था वायुमंडल का सबसे पांच परत है, जो सबसे निचली परत है जिसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में भी जो है जल बादलों के रूप में पाया जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 13-14 किलोमीटर है क्षोभ मंडल। तो इन तीनों पर मिला करके जल का क्या होता है, संचलन होता है, संचरण होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जलचक्र। अब हम यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये हमारा महासागर है, एक चित्र बनाया है मैंने, महासागर है और ये क्या है, स्थल मंडल है, ये जल मंडल है और ये स्थल मंडल है। अब यहाँ पर देखिए सूर्य है, सूर्य के चमकने से महासागर का जल गर्म होता है और जल गर्म होकर के क्या होता है, वाष्प के रूप में जल बदल जाता है, वाष्पीकरण होता है। अब वाष्पीकरण होगा तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ के जैसा कि हमने बताया है कि ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान कम होता जाता है, तापमान कम होता है, फिर एक ऐसा लेवल आ जाता है जहाँ पर जो हमारी हवा है संतृप्त हो जाती है, जब संतृप्त सेचुरेटेड हो जाती है, यानी कि अब उसमें जो है जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अब नहीं रह जाती है, तो ऊपर जाकर जब तापमान कम हो जाता है तो उसका संघनन प्रारंभ हो जाता है, संघनन होकर के बादलों का निर्माण हो जाता है। अब बादलों का निर्माण हो गया तो वर्षण होने लगेगा बादलों से, वर्षण जो है यहाँ पर दो रूपों में होता है, हिम के रूप में और जल के रूप में, ठीक है। गैसीय रूप में तो हमने वहाँ देखा था जो हमारा कोहरा है, कुहासा है, वो धरातल के नज़दीक होता है, लेकिन बादलों से वर्षण दो रूपों में होता है, जल वर्षा के रूप में और हिम वर्षा के रूप में। हिम वर्षा के रूप में होगा तो जो है अपना बर्फ़ वगैरह जो हिमपात होता है, हिमपात होता है तो ऊंचाई वाले प्रदेशों में, ऊंचाई वाले प्रदेश या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में हिम से पर्वत की चोटियां ढक जाती हैं, और जल वर्षा होगा फिर उसके बाद में ढाल के सहारे जल का प्रवाह शुरू हो जाता है। ढाल के सहारे क्या होता है, जल का प्रवाह शुरू हो जाता है। जब जल का प्रवाह ढाल के सहारे शुरू होगा तो पुनः वो बहते बहाते नाली नदियों के रूप में, नालों के रूप में, ठीक है, रेल के रूप में, गलीज के रूप में, छोटे छोटे जो पर्वतीय क्षेत्रों में रेल गलीज या जो हमने पढ़ा था चंबल क्षेत्र में रेवाइंस बनती हैं तो वो गलीज अपरदन से होता है। तो इस तरीके से रील गलीज और छोटे छोटे नदी नालों, बड़े बड़े नालों नदियों के माध्यम से पुनः ये जो है महासागर या झील में जल पहुंच जाता है। तो हमने यहाँ पर, और इसके अलावा वाष्पीकरण के साथ साथ में एक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है, होती है ना, पेड़ पौधों से और मिट्टियों से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पेड़ पौधों को भी जल चाहिए और पेड़ पौधे से भी जल चला जाता है, वाष्पोत्सर्जन होकर जल इसका निकल जाता है और पुनः जो है जब बारिश होती है, सिंचाई होती है तो पौधों को जल पहुंच जाता है, और महासागरों से वाष्पीकरण हुआ, महासागरों फिर जल पहुंच गया, तो एक चक्र बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जब परिभाषा लिखने के लिए आएगी जल चक्र की, तो आप ये चित्र बना करके और इसकी परिभाषा यही लिख सकते हो कि जल का संचलन पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और वायुमंडल में जब इसका संचलन पूर्ण होता है तो इसे क्या कहते हैं, जलीय चक्र कहते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे पृथ्वी पर जल का वितरण। अभी तक हम लोगों ने जल चक्र देखा, अब जल पृथ्वी पर जल का वितरण किन किन रूपों में जल पाया जाता है पृथ्वी पर, जो हमारा 71% जल मंडल है उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर किन किन रूपों में है उसका हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इधर हमने एक टेबल में जलाशय लिया है और इधर इसका कुल प्रतिशत लिया है, इसका कुल प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत जल जो है किस रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर है महासागर के रूप में, महासागर के रूप में 97.25% जल पाया जाता है। अब इसी महासागर में जो है जितने भी सागर हैं आसपास लगे हुए वो सब सागर भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। महासागर सागर का ही हिस्सा है, बस ये वो जो है महाद्वीपों में कुछ ऐसे गर्त होते हैं जो पानी से भर जाते हैं, उनको सागर कहा जाता है। तो महासागर में 97.25% जल पाया जाता है, यानी सबसे अधिक जल किस में पाया जाता है, महासागरों में। और महासागरों की अगर बात करें तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, 5, और महाद्वीप कितने हैं, 7। तो 5 महासागर हैं, 5 महासागर में सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जो है ये क्रम है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं, अंध महासागर। और तीसरा हिंद महासागर जो हमारे भारत हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर का नाम है, और चौथा है दक्षिणी महासागर या साउदर्न ओशियन कहते हैं, और पांचवा है आर्कटिक महासागर। अब इसे हम विश्व के नक्शे में वितरण देखते हैं। देखिए प्रशांत महासागर जो हमारा है वो ये इधर का भाग और ये भाग, ये सब क्या है, प्रशांत महासागर। अगर नक्शे ग्लोब होता हमारे पास यहाँ पर तो हम ग्लोब पर जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हमारा भूखंड है, वो चारों तरफ से जल जो घिरा है वो क्या कहलाता है, प्रशांत महासागर। इसके पीछे चले जाओगे, इस नक्शे के पीछे अगर इसको जोड़ देंगे तो पूरा जल ही जल है, पीछे क्या है, जल ही जल है। तो
वो सब पूरा जल मंडल क्या कहलाता है, प्रशांत महासागर, यानी सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और दूसरा है हमारा अटलांटिक महासागर, ये यस की आकार में जो जलमंड वो महासागर है क्या है, प्रशांत महासागर। उत्तर में उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण में ये दक्षिणी अटलांटिक, यानी विषुवत रेखा यहाँ पर है, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी अटलांटिक, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी अटलांटिक। और तीसरा हिंद महासागर, ये हमारा इंडिया है, इसके नीचे ये क्या है, हिंद महासागर, ये वाला हिंद महासागर है। तो ये तीसरा हो गया। पहले की बात करें तो प्रशांत ये है, इधर भी है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, अटलांटिक महासागर, ये हो गया। और चौथा साउदर्न महासागर या दक्षिणी महासागर, ये क्या है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी महासागर। जो अंटार्कटिक महाद्वीप है उसके ऊपर जो महासागर है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी महासागर, दक्षिण में, इसलिए दक्षिणी महासागर। और आर्कटिक महासागर ये वाला पूरा क्या कहलाता है, आर्कटिक महासागर, पांचवा भाग ये क्या है, आर्कटिक महासागर। तो इस तरीके से पृथ्वी पर हमने महासागरों का वितरण देख लिया, और महासागरों में जल 97.25% जल महासागरों में पाया जाता है। अब ये महासागर का जल कैसा होता है, खारा होता है। तो इतना जल हमारे पृथ्वी पर खारा ही खारा है, महासागरों का जल सारा खारा ही होता है। और 2.05% हिमानियों के रूप में या हिमटोपी के रूप में पाया जाता है, जैसा कि हमने बताया था कि जो है हिमानियाँ दो जगह पाई जाती हैं, या तो ध्रुवों के पास उच्च अक्षांशों पर या फिर पर्वतीय क्षेत्रों पर, दो जगह हिमटोपियाँ हिमानियाँ पाई जाती हैं। हिमानियाँ जो है बड़ी बड़ी जो है ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े जो है हिम के भूखंड होते हैं हिमानियाँ, और जो हिमटोपियाँ होती हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर हिम के जो खंड होते हैं वो पर्वत के शिखर को ढक लेते हैं, तो उसको हिमटोपियाँ कहते हैं। तो हिमानियाँ हिमटोपियाँ के रूप में 2.05% हिम पाए जाते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, हिमानियाँ कितना है, लगभग 2% है, ठीक। और भूमिगत जल 0.68% है, भूमिगत जल पृथ्वी पर कितना है, 0.68%। और झीलों के रूप में 0.01% है। और मृदा में नमी, जो मिट्टी हमारी है उसमें भी नमी है, नमी प्राप्त करने के लिए मिट्टी की जुताई करता है किसान, कि नमी मिट्टी में वायु और नमी प्रवेश हो जाए, इसलिए मिट्टी को क्या करता है किसान, जोतता है। तो मिट्टी में भी नमी है 0.05%, तभी तो वाष्पोत्सर्जन मिट्टी से होता है, आर्द्रता के रूप में मिट्टी से नमी निकलती है, तो उसमें नमी है इसीलिए 0.05% है। और वायुमंडल में भी जल है, हमने बताया था वायुमंडल में किस रूप में है, जलवाष्प के रूप में है, तो 0.01% वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जल है। और नदी नाले, जो हम नदी नालों की बात करते हैं भारत में, जैसे सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है 2525 किलोमीटर, तो ऐसे विश्व में बहुत सारी नदियां हैं, तो उन सब नदियों का जल मिला करके कितना परसेंट है, 0.001%, बहुत कम, 0.001%। और जैवमंडल, जैवमंडल में कौन कौन आते हैं, हमारे पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, मनुष्य के अंदर, मनुष्य का जो है लगभग 70% से अधिक भाग जल से बना हुआ है, पता है आपको, तो मनुष्य भी जैवमंडल का हिस्सा है, जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे हैं, तो सब में जल का अगर हिस्सा मिला लिया जाए तो बहुत कम है, 0.0004%, 4 बार 0 है दशमलव के बाद, फिर 4 आता है, तो ये जैवमंडल में बहुत कम है। अगर अब यहाँ पर प्रश्न आएगा, आपके कंपटीशन में भी आ सकता है या परीक्षा में भी आ सकता है, आगे ध्यान रखने के लिए, कि इसमें आ जाएगा इसका सीरियल लगाने के लिए, कि जो है जल किस में घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जल कहाँ पाया जाता है अधिक, तो सबसे अधिक महासागरों में पाया जाता है, सबसे अधिक महासागरों में 97% से भी अधिक पाया जाता है, 97% कह सकते हो। और इसके बाद में हिमानियों के रूप में, बर्फ़ के रूप में, ये मीठा जल है, ये क्या है, 2.05%, ये मीठा जल है। और भूमिगत जल, ये भी मीठे जल के रूप में है, लेकिन रहले जैसे और इरादनगर जैसे क्षेत्रों में भूमिगत जल भी खारा हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग सब क्या हैं, खारे हैं, खा रहे हैं, बात बात पे लेकर के खारापन है, लड़ाई शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए यहाँ के भूमिगत जल में भी आर्सेनिक, संखिया और खारापन यहाँ भी पाया जाता है। तो अब भूमिगत जल कितना है, 0.68% है, ठीक। तो ये चार आप सीरियल याद रख सकते हो, महासागर, हिमानी, भूमिगत जल और झील। इसके बाद झीलें आ जाती हैं, झीलों में भी दो प्रकार के झील होते हैं, मीठे जल की झीलें और खारे जल की झीलें, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो हम मतलब पूरे विश्व के नक्शे पे आपको झीलों का दर्शन करा देंगे, एक झील से चलते हो दूसरे झील में घुसेंगे, कहाँ कहाँ कैसे झीलें हैं, मीठे जल कौन है, खारे जल कौन है, झील हैं। अभी हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल वगैरह से फ्री हो जाएंगे, तब झीलों का चक्कर लगाएंगे, नदियों का चक्कर लगाएंगे, पूरे विश्व में भ्रमण करेंगे, कहाँ कहाँ क्या है, ठीक। और नदी नाले बहुत हैं, लेकिन मतलब
अगर उनके जल के रूप में देखा जाए तो वहाँ जल ज़्यादा नहीं है, 0.0001%, 3 बार 0.0 पहले, बहुत छोटा मात्रा है नदी नालों के रूप में। तो इस तरीके से ये सब हमारे क्या हो गए, जल इस रूप में पाए जाते हैं। अब हम लोग जो हमारा अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे, 3 पॉइंट का अध्ययन रहेगा। ये तो हमने एक मतलब एक भूमिका बताई हमने जलमंडल के बारे में। अब जो हमारा मुख्य अध्ययन का विषय होगा उसमें हम लोग स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। जलमंडल में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, यानी उच्चावच का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से जो है हम मैदान अपने सतह पर धरातल पर देखते हैं, स्थलमंडल में देखते हैं कि जो है उच्चावच पाए जाते हैं, पठार, पर्वत, मैदान, ठीक है, उसी प्रकार से समुद्र में भी उच्चावच पाए जाते हैं, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। अब चूँकि समुद्र जल से स्थलमंडल से भी ज़्यादा विस्तृत है तो इसकी स्थलाकृतियाँ भी विचित्र विचित्र होंगी, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं पढ़ने में, मज़ा आएगा। और उसके बाद में हम लोग जल के तापमान का अध्ययन करेंगे। जल का तापमान जैसे हमारे वायुमंडल का तापमान हमने अध्ययन किया, ऐसे ही जल के तापमान का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जल की लवणता का अध्ययन करेंगे, नमक का, नमक जल में कैसे पहुँचता है और कितना परसेंट किस जल का जो है नमक खारा है, ये सब हम अध्ययन करेंगे अगले जो है लेक्चर में।